ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आपको बता दें कि जयपुर से खबर है, जयपुर में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज का मामला है। एसएमएस अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है मरीज। सोमवार को जांच के लिए इनका सैंपल पुणे भेजा गया था। पुणे से मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। इटली का नागरिक है यह कोरोना पॉजिटिव मरीज। तो आपको बता दें कि तीसरी रिपोर्ट है, पहली जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई थी, दूसरी बार जब टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट पॉजिटिव मिली और अब पुणे से जांच के बाद सैंपल वापस जब आया तो ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खबर पर योगेंद्र पंचोली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, इटली का जो नागरिक था जयपुर में जिसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, इसके बाद दोबारा जांच कराई गई और दूसरी बार फिर ये जो रिपोर्ट है पॉजिटिव आई है, डॉक्टर्स का आप क्या कुछ कहना है इस बारे में? लेकिन आपको अपडेट कर दूं कि जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में जो इटली निवासी व्यक्ति हैं उसकी कल दो जांच की गई थी, पहली में नेगेटिव और दूसरी में पॉजिटिव आया। उसके बाद अंतिम जो पुष्टि की जाती है जो नेशनल लैब पुणे में है वहां पर उसका ब्लड सैंपल भेजा गया था, जहां अब करीब एक घंटे पहले रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में तय हो गया है कि इस व्यक्ति कोरोना से प्रभावित है और पूरा पॉजिटिव इसके रिजल्ट आया है। तो ऐसे में एक एसएमएस अस्पताल में, क्योंकि ऐसी जो कोरोना वायरस जो फैल रहा है उससे पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि एसएमएस में जिस आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है उस वार्ड को पूरी तरह से पैक कर दिया गया है। और स्पेशल रूप से क्योंकि ये वायरस इतना सेंसिटिव है कि कई लोगों को तुरंत चपेट में ले सकता है, तो ऐसे में यहाँ से डॉक्टर भी उस मरीज से मिलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि किस तरह से उस मरीज के जो बैक्टीरिया है, उस मरीज की जो वायरस है, दूसरे में ना पहुंचे। दूसरी तरफ यहाँ पर जो मुख्य सचिव है उनकी यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो कि सेंटर के जो सचिव हैं चिकित्सा महकमे के, उनके माध्यम से पूरे प्रदेश भर के जो यहाँ मुख्य सचिव और इसके अलावा सभी जिलों में उन चिकित्सा अधिकारियों की बैठक भी यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली जा रही है कि क्या कुछ एहतियात के तौर पर बरता जा रहा है। लेकिन दूसरा चौंकाने वाला मामला ये है कि जो इटली निवासी पॉजिटिव आया है उसके बाद एसएमएस प्रशासन, हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जानकार जो सूत्र बता रहे हैं सूत्रों के अनुसार उस व्यक्ति को फाइनल हो चुका है कि वो कोरोना वायरस से पॉजिटिव है। तो ऐसे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। हालांकि कल जो विधानसभा का सत्र जो चल रहा है उस सत्र में जो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा है उन्हें कोरोना वायरस से संबंधित जो प्रश्न लगाए गए उनका भी जवाब देना है। तो एक ये माना जा सकता है कि जो लगातार जिस तरह से भय दिखाया जा रहा था और भय का डर लोगों में था कि कोरोना वायरस कहीं यहीं नहीं पना जाए, तो ये अब तक जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुसार जो जयपुर में इटली निवासी मरीज सामने आए हैं, उसके अलावा पांच पूरे देश में अब तक छह मरीज कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज पूरे देश में आ चुके हैं। तो यहाँ इसके अलावा क्योंकि जयपुर का इससे जुड़ा जो मामला है और जयपुर के राजस्थान के अलावा जो अन्य राज्य हैं वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि व्यक्ति पहले दिल्ली आया था और दिल्ली से सीधा जयपुर एयरपोर्ट पर वो पहुंचता है, उसके अलावा कहाँ कहाँ वो घूमता है, तो सारी चीजों पर उस पर सरकार की ओर से चिकित्सा विभाग की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है कि व्यक्ति कहाँ कहाँ गया है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगातार इस तरह की जो एक्टिविटीज देखी जा रही है, तो कहीं कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि सरकार अब पूरी तरह से इस मामले को लेकर गंभीर नजर आ रही है। और दूसरी तरफ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एसएमएस हॉस्पिटल के जिस आइसोलेशन वार्ड में उस इटली निवासी व्यक्ति को रखा गया है उस व्यक्ति को दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से उस वायरस को रोकने के लिए, ताकि वो दूसरे लोगों में नहीं फैले, उसको रोकने के लिए स्पेशल किट होना चाहिए जो कि यहाँ पर एसएमएस अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उस व्यक्ति को दूसरी जगह, क्योंकि यहाँ पर ये माना जा सकता है कि प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में करीब 1500 से 2000 के आसपास तो व्यक्ति यहाँ एडमिट हैं। तो ऐसे में क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल है और ऐसे में अन्य मरीजों को भी इसकी चपेट में आने का खतरा बरकरार है, तो ऐसे में यहाँ पर एहतियात के तौर पर उस मरीज को पूरी तरह से आइसोलेशन जो वार्ड है उसमें पैक कर दिया गया है ताकि दूसरे व्यक्ति उसकी चपेट में नहीं आ सकते। जी बहुत शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि कोरोना मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और पुणे से मरीज की यह रिपोर्ट आई है, तीसरी बार यह जांच जब हुई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
जनजीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।